टेंथ क्लास बायो ग्रुप और कंप्यूटर ग्रुप दोनों ग्रुप्स के दरमियान आज कंपटीशन चेक किया जाएगा कि चार्ट में बनाने में इसकी ड्राइंग में इसकी लेबलिंग में किसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और आप व्यूअर्स ने मुझे जरूर फीडबैक भी देना है। ले जनाब ये बच्चा जी अली शेर असद इन्होंने फॉलो क्लास रूल भी लिखा है बहुत अच्छी बात है। इन्होंने यहां पर जो है वो गोल्डन रूल्स लिखे हैं जिनमें इन्होंने बताया कि कम ऑन टाइम प्रॉपर टाइम पे आए और अपनी क्लास के लिए प्रिपरेशन करके निकलें। ये देख सकते हैं साथ साथ जो है वो क्लॉक मेंशन की है बुक्स आईज ऑन द बोर्ड बोर्ड की तरफ फोकस करें जब आप क्लास में बैठे हैं से प्लीज एंड थैंक यू आप जो है वो प्लीज और थैंक यू के अल्फाज इस्तेमाल करें अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ। अगर किसी ने आपके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव किया तो आप जरूर थैंक यू कहें किसी से कोई चीज चाहिए तो जरूर जो है वो प्लीज बोले। बी फॉलो डायरेक्शन डायरेक्शंस को फॉलो करें जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं ट्रैफिक की डायरेक्शन। बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड रिस्पेक्टफुल और काइंड बने अच्छे इंसान बने। ट्राई योर बेस्ट एंड हैव फन पूरी कोशिश करें जान लगा दें जी। ये है जी अली शेर असद बच्चा ये मैं साथ दिखा भी रहा हूं ठीक है। और लिसन व्हेन अदर्स टॉक जब दूसरा बात करते हैं तो जरूर सुने। रेज योर हैंड टू स्पीक अगर आपने कोई बात करनी है तो जरूर आप अपना हैंड रेज करें। तो इस तरह से एक चार्ट मैंने आपके सामने रखा अभी इसके बाद जो वो नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ले जी बायोलॉजी का स्टूडेंट है नाम है जी इनका कोई नाम नहीं है जुनैन तारिक। ले जनाब इन्होंने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वेरी गुड आप देख सकते हैं नेफ्रॉन उसके प्रॉपर पार्ट्स को डिस्कस किया प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वगैरह बताया ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल ऊपर फैलले डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर किडनी किडनी में से जो है वो इसको निकालते हैं और इनकी जो है वो लेबलिंग करके इन्होंने प्रॉपर जो है वो हाईलाइट कर दिया यानी कि याद भी कर लिया और चार्ट भी बना लिया एक्टिविटी क्या बात है वेरी 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 नाइस। अच्छा इसके साथ ही कंपटीशन अली शेर असद अगेन इस बच्चे ने एक और चार्ट बनाया फिजिक्स से रिलेटेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आप जानते हैं कि आजकल बिजली में शेडिंग का सिलसिला चल रहा है और आईपीपीएस बहुत ज्यादा जो है वो गलत काम कर रही है बिजली महंगी करके पिछले 30 साल से। तो लें जी देखते हैं 132 किलोवाट अपना किलोवाट जो इन्होंने प्रेजेंट किया है पावर स्टेशन आप देख सकते हैं ग्रिड ठीक है ना और ग्रिड स्टेशन ये हमारा जो है वो पावर स्टेशन आ गया उसके बाद ग्रिड सब स्टेशन आ गया देन इसके बाद जो है वो आप टावर देख सकते हैं मेन सब स्टेशन आ जाता है इंटरमीडिएट स्टेशन आ गया सिटी सब स्टेशन आ गया ठीक है ना यहाँ से बिजली जो ऐसे आवाम तक जो वो मुंतकिल की जाती है वो अलग बात है कि बिजली लोड शेडिंग बहुत हो रही है फिर भी कम आ रही है लेकिन यही बच्चे हैं ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ जी करेंगे जी लो जी इसके बाद मैं अगले चार की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर इन्होंने आंख का स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स फोविया लेंस विट्रस ह्यूमर इंशाल्लाह इनको आन करीब जो मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा और इन्होंने एक कमिटमेंट भी लिखी हुई है जरूरत पड़े अल्लाह की कसम खाएंगे हमेशा तलीम में आगे जाएंगे। वेरी गुड जी यानी कि एजुकेशन में आगे बढ़ने की एक लगन है और नाम है जी स्टूडेंट का ये लें जी अजान अफजाल असद ये बच्चे हैं जी इन्होंने बाकियों ने जो है वो हेल्प की है इनकी जरूर थोड़ी थोड़ी हेल्प की होगी। ले जी अब मैं आता हूँ जी ये बच्चा है बहुत मेहनती आज बाल भी कटवा लिए इसने माशाल्लाह से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बालजी वेरी गुड जी ये किडनी आ गई किडनी के अंदर जो रिनल पैरामिड्स वगैरह बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किए हैं रिनल कॉर्टेक्स एमिगडाला और उसके साथ जो इसकी मतलब मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर दिया इसकी लेंथ वेट को और इसमें जो वो जो इसके मेन मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पर डिस्कस हैं। इस तरह से यह है कि लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा चार्ट है। केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाई है जी इन्होंने जिसमें जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस करवा के दिखाए गए हैं कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन जो यहाँ पे डिस्कस किया है और ये है जनाब बच्चे का नाम है जी उमेर और दूसरे का नाम है पोला बिलाल ठीक हो गया। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट आखिरी है जी ये चार्ट उस्ताद रूहानी बाब है ठीक है जी ये बहुत जबरदस्त कोटेशन है नो डाउट काम के डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं जी असद अली ने ठीक है और साथ में कंपोनेंट्स है मतलब कि एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर और उसके बाद इंटरनल ईयर यूस्टिकियन ट्यूब्स किस तरह से कोकलिया ईयर ड्रम के साथ और ओवर विंडो के साथ जो कनेक्शन है कान के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से
اسد، ذوالفقار، کیا بات ہے. یہ رہی ہماری جی، اب 10th سائنس کلاس جنہوں نے چارٹ کا کمپٹیشن، آپ نے بتانا ہے سب سے بہترین چارٹ کس کا ہے، اسی بچے کو جو ہے وہ انشاءاللہ شیلڈ ایوارڈ پریزنٹ کیا جائے گا.